2 sin t माइनस साइन 2 t ऊपर जाना प्लीज, पहले क्वेश्चन में जो दिया उसको लिखने का, आगे ये सिमिलर नहीं है क्या, टफ है क्या? नहीं सिर्फ लास्ट का ना, ठीक है ये स्टेप देखते जाओ आगे, हो गया देखिए, नहीं सब लोग देखो बराबर से क्या किया, देखो इधर इधर बोर्ड में थोड़ी ना मेरे फेस में दिख रहा है, सम को देखने को बोले तो फेस को देख के बैठा है मंडलर सार्थक, बराबर से देख रहे थे हाँ भाई, तुझे भी बोर्ड पे देखने को बोला ऊपर बस देख रहे हो चैतन्य बराबर से देखो मस्ती में रहे इधर, मस्ती चालू रहे बराबर से देख, मैं सब नाइस से करे तुम लोग उसी करने को बोला इधर इधर ये लोग ने क्या किया, टू कॉमन किया इधर टू इधर टू इधर टू इधर टू है, टू को बाहर किया तो टू कैंसिल हो गया ऊपर का नीचे का, सो क्या बचा ऊपर cos t माइनस cos 2t, नीचे क्या बचा माइनस sin t माइनस sin 2t, बस इतना ही है और क्या किया लोग ने, तो आगे इधर कुछ सॉल्विंग नहीं कर पाएंगे, कुछ फॉर्मूला नहीं आएगा एनी में, ठीक है जब जाके पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर पाई बाय 2 क्यों आया, देखिए ऊपर जा ऊपर जा, हाँ देखो इधर इधर cos 2t है, cos 2 into t के जगह क्या लिखेंगे pi by 4, so 2 1 जा 2 2 जा, ऐसा इधर cos pi by 2 आएगा, क्लियर है? नॉर्मल है t के जगह pi by 4 ना, इधर 2t है इसलिए 2 4 और कैंसिल होके pi by 2 आ गया, so इधर pi by 2 इतना हुआ, आगे pi by 4 pi by 2 का वैल्यूज तुम्हारे पास है वो सब्स्टिट्यूट करो, cos 1 cos pi by 4 1 upon root 2 minus cos 90 degree 0 नीचे माइनस साइन पाई बाय फोर का वैल्यूज 1 अपॉन रूट 2, वो फॉर्मूला तुम लोग को आना चाहिए वैल्यूज टेबल, ठीक है? नेक्स्ट साइन 90 डिग्री कितना 1 है, आगे लोग ने क्या किया इधर, हाँ ऐसे रखो इधर, इसकी स्टेप आगे क्या आएगा, इधर एक नंबर एक फ्रैक्शन है ना, एक जीरो एक फ्रैक्शन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रूट 2 आएगा, नेक्स्ट 1 0 अपॉन इधर नीचे कुछ नहीं रहता क्या रहेगा, so 1 into 1 0 into root 2 0 minus 0 upon, समझा? इसका 1 minus 0 upon root 2 आया, नीचे का क्या आएगा root 2 आएगा minus 1 minus root 2 बराबर बराबर पक्का बराबर clear है ना, समझा सब लोगों को इसे, हाँ आगे क्या आएगा 1 minus 0 upon 1 minus 0 मतलब कितना 1 upon root 2, ये upon को मैं multiplication में चेंज कर रही हूँ, so नीचे का उल्टा क्या आएगा root 2 upon minus, इधर minus common किया तो क्या आएगा 1 plus root 2, okay minus मैंने common कर लिया, तेरा इधर ऐसा कर किया ना इसलिए मैंने सिखाया ऐसा, next root 2 cancel, so अभी ये नीचे minus ऊपर ही लेंगे ना हम लोग, 1 upon 1 plus root 2 आया ये, अगर नीचे माइनस है तो ऊपर ही लेंगे नॉर्मली, नीचे थोड़ी ना लिखेंगे हम लोग, उसको ऊपर भी लेके आ सकते हैं, तो ऐसा माइनस मैंने ऊपर लेके माइनस वन अपॉन वन प्लस रूट टू लिखा, क्लियर है? ये स्टेप के बाद सब लोग ये स्टेप लिखेंगे, आगे देखो आगे लोग ने क्या किया, रेशनल सिंह नहीं किया तो चलेगा, इधर ये लोग ने क्या किया रेशनल सिंह किया, रेशनल सिंह याद है इसका कॉन्जुगेट निकालने का पहले जो तुम लोग टाइप में किए थे, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, वही नंबर के साथ ऊपर भी नीचे भी रेजिस्टेंस है, सो माइनस वन इनटू दिस क्या होगा माइनस ऑफ वन माइनस नीचे, दिस इज ए प्लस बी दिस इज ए माइनस बी, सो फॉर्मूला क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साथ तक नहीं सुन रहे बहुत बारीक पड़ेगा बात, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए के जमे वन बी के जमे रूट टू, फॉर्मूला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट टू स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर इज टू, सो इधर
आगे क्या वन माइनस टू कितना माइनस वन ये स्टेप की बात ना इधर क्या रहेगा माइनस रहेगा माइनस ऑफ वन माइनस रूट टू अपॉन माइनस वन सो माइनस माइनस कैंसिल होगा तुझे आंसर क्या आएगा वन माइनस तो जिसको याद रहेगा वो लोग रेशनलाइज करो जिसको याद नहीं रहेगा मत करो क्या करेंगे इधर ऐसे रूट का टप मिला नीचे तो रेशनलाइजेशन करने का क्लियर है ऐसा छोटा सा याद रखो क्लियर है बीच में दो नंबर्स या ऐसा रूट का कुछ टर्म आया तो रेशनलाइजेशन करने का क्लियर है सब लोग ए स्टेप के बाद ए स्टेप कॉपी करो बाद में ए स्टेप के बाद ए स्टेप कॉपी करो ये ना ये मस्त ये जो स्टेप है ना इसके बाद ए स्टेप करना ऐसा बोल रहे मैं वो लोगों ने किया नहीं ना डायरेक्ट कर दिया इसलिए Thank you.